जय श्री राम बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के एक विषय को पढ़ाएंगे जो विषय 12th क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस का टॉपिक है और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी विशेष उपयोगी है। हर एग्जाम में इस विषय में से सवाल आते हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये जो विषय आज हम करवा रहे हैं वो अति आवश्यक है। सभी ध्यान से देखें, ज्योग्राफी भूगोल 12th क्लास चैप्टर 2 जनसंख्या का वितरण। तात्पर्य क्या है कि इस पूरे ग्लोब पर जनसंख्या कैसे बटी हुई है, जनसंख्या का डिवाइडेशन पूरे अर्थ पर किस प्रकार से है, वो पूरी चर्चाएं इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या का वितरण तात्पर्य है डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पॉपुलेशन का। जनसंख्या का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन कहां पर, पृथ्वी पर। पहले अध्याय जिस विषय पर आधारित है उन शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। अध्याय का नाम है जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या इस पृथ्वी पर कैसे बटी हुई है, कहां पर जनसंख्या कम निवास करती है, कहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है और इनके कम और ज्यादा होने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। तो 12वीं के सिलेबस में इस चैप्टर में से पहला सवाल क्या आता है जो 1 नंबर में और 3 नंबर में पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व क्या है। पहला सवाल 1 नंबर और 3 नंबर में ज्योग्राफी में फाइनल एग्जाम में मॉक टेस्ट में सितंबर एग्जाम में हर जगह यह सवाल आया है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में, बात को समझना बेटा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर नंबर ऑफ पर्संस क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। पर स्क्वायर किलोमीटर में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। हर क्षेत्र की, हर देश की, भारत में भी हर राज्य की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अलग अलग है। इस सवाल के ऊपर 4-5 सवाल और बनते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। अब ये जो जनसंख्या घनत्व नामक वर्ड है, पॉपुलेशन डेंसिटी नामक जो ये शब्द है, ये किस पर आधारित है, ये सेंसस पर आधारित है। सेंसस का मतलब क्या है, जनगणना। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये क्या है, एक नंबर है, एक माप है। और इसका अनुमान और एग्जैक्ट इसका जो परिभाषा है वो कैसे डिसाइड होती है, वो जनगणना के आधार पर होती है। जब देश में जनसंख्या की गिनती होती है उसी समय पता चलता है कि देश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आज वर्तमान का जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कौन सी जनगणना पर आधारित है, 2011 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व बेटा कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में भारत का जनसंख्या, एक नंबर में सवाल पूछा जाता है, 20 सवाल जो अभी वर्तमान में, 18 सवाल 12वीं के फाइनल एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, जैसे सेम कंपटीशन में आते हैं। इसीलिए ये विषय दोनों विद्यार्थियों के लिए बड़ा जरूरी है, चाहे वो कंपटीशन का है चाहे वो 12वीं का है। अभी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है और वो कौन सी जनगणना पर आधारित है, 2011 की जनगणना पर आधारित है। अब एक सवाल और बनता है, भारत में जनगणना सेंसस कब से शुरू हुई, भारत में सेंसस कब से शुरू हुई,
तो भारत में जो जनगणना है, तो इसमें बेटा दो सवाल बनते हैं। एक प्रथम प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट, भारत में जो जनगणना, जनसंख्या की गिनती करने के लिए जो पहला प्रयास किया गया वो कब किया गया? 1872 में। तो एक सवाल तो ऐसे पूछा जाता है कि भारत में जनगणना का पहला प्रयास कब हुआ, तो वो कब हुआ? 1872 में। दूसरा सवाल, नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1881 से। तो दो सवाल बनते हैं सेंसस को लेकर कि भारत में जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? 1872 में किया गया। और नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस कब से शुरू हुई? 1881 से। तो 1881 से आज तक भारत में जितनी भी जनगणना हुई है वो हर 10 वर्ष के अंतराल पर हुई है। तो नियमित जनगणना का मतलब क्या है कि भारत में हर 10 वर्ष के बाद जो जनगणना शुरू हुई वो पहला शुरुआत कहां से हुई? 1881 से। 2011 में जनगणना, ये कौन सी है? पहली है। कौन सी है? पहली है। ये कौन सी थी? 15वीं। ये सवाल बनता है, परिबोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि जो 2011 की जनगणना है कौन से नंबर की जनगणना? 15वीं। एक सवाल और बनता है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? 7वीं जनगणना कौन सी? 2011 की। और पहली कब हुई? 1881 में। और पहला प्रयास कब से है? 1872 से। तो जनगणना के माध्यम से देश के बारे में, देश में निवास करने वाले लोगों के बारे में सरकार के पास पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। अभी 2021 में जनसंख्या की गिनती होगी। और ये जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति, ये किस पर आधारित है? 2011 की जनगणना पर आधारित है। उससे आगे, भारत का वो राज्य, ये सवाल बनता है, भारत का वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कौन सी जनगणना के आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर। बहुत कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि भारत का वह राज्य है जो जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, और कौन सी जनगणना के आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर, वो है बिहार। ठीक है भाई, इसमें कितने व्यक्ति? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई पुस्तकों में, एनसीईआरटी में कई तरह की किताबें मार्केट में पब्लिश होती हैं, तो जो अन्य प्रकाशन की किताबें होती हैं कई जगह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में जो क्लिक हो, जो ज्यादा प्रमाणिक हो, उसको स्वीकार करें, लेकिन माना यह जाता है। फिर एक दूसरा सवाल आता है कि भारत का वो राज्य है जो जनसंख्या घनत्व जिसका सबसे कम है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, दूसरा सवाल बनता है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, यह सबसे ज्यादा। एक सवाल और बनता है, भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक है, यूनियन टेरिटरी, कौन सा है? तो इसमें सवाल बनता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में
11,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं, निवास करते हैं दिल्ली के अंदर, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, यहां पूरा नहीं लिख रहे हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी, ठीक है भाई, तो सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार का। किसका है, अंडमान निकोबार का कितने व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं, वैसे ही अंडमान निकोबार में भी 17 ही व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये कई बार शंका पैदा हो जाती है, यहां 17 यहां भी 17, तो भाई हो सकता है, नंबरिंग में काउंटिंग है। इस देश के अंदर हर तारीख को कितने लोग पैदा हुए, ऐसे तो कोई व्यक्ति कहने लग जाए मैं 15 जनवरी को पैदा हुआ हूं तू कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं है। तो ये नंबर की काउंटिंग है, यहां भी 17 है और वहां भी 17 है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्लियर है सारी बातें, ध्यान से स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहे ले सकता है। अब आगे चलते हैं, कई सवाल आते हैं 12वीं के बच्चों के लिए जनसंख्या को लेकर। सबसे पहला सवाल क्या आता है, थोड़ी सी कॉमन चर्चा है कि ये ग्लोब है, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, महाद्वीप और महासागर। ये पृथ्वी दो भागों में, स्थल भाग और जल भाग दो ही भागों में डिवाइड है, महाद्वीप कॉन्टिनेंट, महासागर ओशियन, और जो जनसंख्या निवास करती है वो कौन से भाग पर निवास करती है, स्थल भाग पर निवास करती है पृथ्वी के। ये जो जनसंख्या का वितरण है, जो चैप्टर का ही नाम है, तो जनसंख्या का वितरण पृथ्वी के कौन से भाग पर है, स्थल भाग पर है, सरफेस एरिया पर है। और ये सरफेस एरिया कितने भागों में डिवाइड है, 7। पृथ्वी का सरफेस एरिया कितने भागों में डिवाइड है, 7 भागों में डिवाइड है, 7 महाद्वीप है, और इन्हीं महाद्वीपों पर, इसी स्थल भाग पर पूरी पृथ्वी पर किसका वितरण है, जनसंख्या का वितरण है। अब विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7 अरब से 7.5 अरब के मध्य, विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब to 7.5 अरब के बीच में लगभग है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। तो इस पॉपुलेशन का कितने परसेंट भाग, 90%, यानी लगभग 6 अरब लोग, 6.5 अरब लोग। इस पॉपुलेशन का कितने परसेंट भाग, 90% भाग, और महाद्वीपों के कितने परसेंट भाग पर निवास करता है, 10%। समझने की बात क्या है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट, 90%, और टोटल सरफेस का कितना परसेंट, 10%। पॉपुलेशन अगर धरती पर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 90 लोग टोटल जमीन के कितने भाग पर निवास करते हैं, 10% भाग पर। इसीलिए पृथ्वी पर दबाव है, इसीलिए पृथ्वी पर जनसंख्या का क्या है, दबाव है। अभी विश्व में एक और बात विश्व में नोट करने की है, 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जिनमें से 6 देश कहां पर है, एशिया में, जिनमें से 6 देश कहां पर है, एशिया में। और इन्हीं 6 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ये सारे पॉइंट बेटा समझने के, टोटल पॉपुलेशन का 90% भाग 10% स्थल भाग पर निवास करता है। विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, जिनमें से 6 देश एशिया में है
और इन्हीं में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया हो गया। अब वो दो देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान। ये छह देश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एशिया में स्थित वो देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, और विश्व के सर्वाधिक 10 बड़े जनसंख्या वाले देशों में ये पहले नंबर पर। ये छह देश एशिया में स्थित है, किन 10 देशों में? जिनमें विश्व की सर्वाधिक पॉपुलेशन है, और इन छह देशों में विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब उसके बाद बेटा अगला विषय, कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल जनसंख्या वृद्धि पेपर में आते हैं, दूसरा सवाल जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरा सवाल जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि नेचुरल या एक्चुअल, चौथा सवाल जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि ओरिजिनल, ओरिजिनल ग्रोथ जिसको बोल सकते हैं, अगला सवाल जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव, और उससे आखिरी सवाल जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ये पूरी टेबल है 12वीं एनसीईआरटी में, सभी बच्चों को बता देते हैं, 12वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी दूसरे अध्याय में पूरी टेबल है और सारे सवाल क्लियर है। तो सबसे पहला सवाल जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है? ग्रोथ। वृद्धि का मतलब क्या है? ग्रोथ। इस बात को ध्यान रखना, वृद्धि प्लस भी हो सकती है माइनस भी, ग्रोथ जमा भी हो सकती है घटा भी, लेकिन विकास डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक, जनसंख्या का बढ़ना भी वृद्धि है धनात्मक वृद्धि है, और जनसंख्या का घटना भी वृद्धि है ऋणात्मक वृद्धि है। अब सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि क्या है, बड़ी आसान माध्यम से समझाते हैं बेटा, यहां देखना आसानी से समझ में आ जाएगा। हम एक बात लिख रहे हैं, टू टाइम पीरियड्स, दो समय अंतराल। हम क्या कह रहे हैं? टू टाइम पीरियड, दो समय अंतराल। कैसे? 2001 2011, दो समय बिंदु, जनसंख्या वृद्धि को समझा रहे हैं, दो समय अंतरालों के बीच 2001 और 2011, टू टाइम पीरियड के बीच में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2001 और 2011 के बीच में किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो घट रही है, वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद जब इस हम जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर। सेम वही बात कि दो समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन है, जब उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। उसके बाद जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, इसके लिए एक फॉर्मूला है, जन्म दर घटा मृत्यु दर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जनसंख्या की कौन सी ग्रोथ है? एक्चुअल ग्रोथ है, प्राकृतिक वृद्धि है। 1000 पैदा हुए 200 मर गए तो प्राकृतिक वृद्धि कितनी आएगी? 800। दो बात ऐसे ही लिखनी है, दो समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या में, दो समय अंतरालों के मध्य टू टाइम पीरियड के बीच में किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट के
जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। एक बार फिर देखना बेटा, दो समय अंतराल के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाती है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। अगली वीडियो में बेटा इस अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? इस अध्याय को और आगे आरंभ करेंगे। जय श्री राम। हमारे चैनल को अगर आपके विषय से संबंधित अच्छा प्रयास अध्यापक ने किया है और अच्छे से सारी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज हमारे सिग्मा गुरुकुल अकेडमिक प्लस कंपटीशन चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार दोबारा से जय श्री राम।